लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कॉलेज में आप मेरी क्रश का नाम क्या है? सो वेलकम फ्रेंड्स ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉफी विद गौरव. माई सेल्फ गौरव शर्मा एंड आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर. एंड टुडे वी हैव द स्पेशल गेस्ट विद अस व्हिच इज माय फेलो क्लासमेट द सीआर ऑफ द क्लास and the person whom you commonly known as the Bindas Bhaiya, the cool dude Bhaiya, the vegan Bhaiya, and so many nicknames have also been given to him. So let me introduce the guest with us, that is Parth Goyal. So Parth, a really warm welcome from my side, your fellow batchmate on the show that is named as Coffee with Gaurav. Bilkul Gaurav, thanks for inviting me. काफी मजा आ रहा है. अरे my pleasure यार. बिल्कुल बिल्कुल. आज अपन कोई सीरियस टॉक नहीं करेंगे, ना हम अमन सर को लाएंगे, ना हम आर्यन राज सर को लाएंगे. हम केवल अपनी मेडिकल लाइन को लाएंगे और उसके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हें हम हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूं मैं कि आपने जो भी आप यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है. और आप अपने एक्सपीरियंसेस, एज वी ऑल नो दैट यू हैव सिक्योर्ड रैंक 223 इन नीट 2019, सो ऑल द एफर्ट्स यू आर पुटिंग आर रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड लेट द व्यूअर सी योर हार्ड वर्क. थैंक्स गौरव. ओके, सो लेट मी हैव द प्लेजर ऑफ स्टार्टिंग सम सिली, सम फनी एंड सम गुड क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क टू यू. So let us start without any delay. Without any. Okay. So let us start. एक गौरव का एक मैं बोलना चाहूंगा, उसका एक टीचर जैसा एक्सेंट है थोड़ा, तो मतलब वो ऐसे ही करता ना without any delay हो तो क्वेश्चन पूछता थे, मतलब एक याद आ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे व्यूअर्स को मैं एक बात और बता दूं कि we and Parth have started coaching together of teaching physics, chemistry and biology. So that was initiated, but unfortunately due to lockdown we have to stop that, otherwise we would have been a long out of the journey of teaching the NEET aspirants. But hope so that after this lockdown ends we should continue that. So before any, without any delay, I would like to start some of the interesting question to the Parth. So my first question is, Parth, that being an All India rank 223 and the person having highest marks in our class, you were made the class representative, that is CR of the class. So how was your experience as a CR throughout the year? What challenges you faced as a CR? What responsibilities you faced as a CR? And what were the advantages of being an CR? So I would like to hear that answer from you. बिल्कुल. तो सबसे पहले तो एक चीज मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि मतलब मेरी रैंक काफ़ी अच्छी थी एंड मैंने उस हिसाब से कॉलेज नहीं लिया था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख था अंदर ही अंदर. कोई मैं कोई आदमी खुशी से ऐसा कुछ करता नहीं है ऑब्वियसली, तो मुझे बहुत दुख था कि मतलब ऐसा मैंने कर दिया एंड मतलब मैं एक ऐसे नॉर्मल से कॉलेज में आ गया. तो उस टाइम पर फिर जब मेरे को CR बनाया गया एंड जब मेरे को मतलब सब लोग एकदम ऐसे विश कर रहे थे कि यार CR बन गया या कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बींग CR इस टाइप से, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब काफी ऐसे मेरे को इज्जत मिल गई थी क्लास में. तो उस टाइम पर मतलब जब मैं एक थोड़ा डिप्रेस स्टेट में था जब मैं कॉलेज में शुरुआत में आया था, लेकिन जब वो चीजें हुई मेरे साथ तो मेरे को काफी अच्छा लगने लगा. मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार जो लोग हैं, जो मेरे को मतलब मेरे क्लासमेट है, वो मेरे को इज्जत दे रहे हैं. तो मतलब कि भले ही मैं वहां तक नहीं जा पाया जहां तक मैं जाना चाहता था, लेकिन मैं जहां पर हूँ वो भी एक बड़ी जगह है, वो भी एक काफी अच्छी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आना को तड़पते हैं, मतलब जिस पोजीशन को होल्ड करने के लिए तड़पते हैं. तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि शायद हमेशा हमें जिंदगी में रोते रहना नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए जो हमें मिला है वो भी काफी बड़ा है. तो एक तो ये मेरे को शुरुआत में जब मैं CR बना तो मेरे को ये फील हुआ था एंड उसके बाद पता चला कि CR की कुछ खासा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, मतलब कुछ काम वाम करता था ये CR तो ऐसे ही बना देते नाम के लिए. तो थोड़ा बहुत यही रहता है कि हाँ भाई कोई भी काम वगैरह मतलब कोई भी टीचर एकदम से कोई को कुछ बोलना होना, अनाउंसमेंट करना हो तो CR को बुला दो, कुछ भी करना हो
क्लास में कोई बात फैलानी हो इस टाइप से, तो वो सीआर का काम रहता थोड़ा बहुत, बाकी ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं रहता। बट ये है कि हाँ, क्लास में आपको आपके नाम की बजाय सीआर सीआर करके लोग बुलाते हैं, तो एक अच्छा फील होता है। वो फीलिंग अच्छी आती है कि सीआर सीआर करके जो बुलाते हैं, तो ये है। एंड बाकी कभी कभी हाँ डांट वाट भी पड़ती है सीआर वगैरह को, तो वो ठीक है, वो एक पार्ट है, अच्छा लगता है सब। एक यूनिक सी फीलिंग आती है एज सीआर, एंड बस वही है, इस वजह से सीआर बनना एक अच्छी चीज है, तो अच्छा लगता है थोड़ा। बिल्कुल। तो मतलब मेन आइडिया पे अगर हम पहुंचे तो सीआर एक हम कह सकते हैं एक जिम्मेदार पोस्ट है कॉलेज लेवल पे। तो जब आपको अथॉरिटी मिलती है किसी चीज की तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक खुशी रहती है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो उन्हें अगर आप सही से नहीं निभा पाते तो आपको अगर थोड़ी डांट खानी पड़ जाए तो आई डोंट थिंक कि उससे कोई नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी हाँ, आपको कोई बहुत कुछ दिक्कत सीखने मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एमएससी यार सेकंड आपको मतलब क्वेश्चन काफी यही सारी के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब लोग आपको जानते होते हैं, मतलब 180 बच्चे के 180 आपको जानते होते हैं, जबकि आप अगर आप सीआर नहीं हो, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट, तो हो सकता है आपको 180 में से 180 जानी नहीं नहीं, आपको। नहीं। हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो ये सब। बिल्कुल। और कॉलेज में मैं एक बात बता दूं कि जिसके जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट होते हैं वो उतना ज्यादा आगे जाता है कॉलेज में, क्योंकि अल्टीमेटली कॉलेज इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी, वहां पर सब मिलके रहते हैं और जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होता है कॉलेज में। तो कॉलेज में मैं कहूंगा डम बन के बिल्कुल मत रहिएगा और सबसे इंटरेक्शन जरूर करिएगा। और मेरा सेकंड क्वेश्चन यहीं पर स्टार्ट होता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल सकता था लेकिन आपने ये वाला कॉलेज चूज किया, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है जो आप शेयर करना चाहें ताकि दूसरे उसको चूज करें या ना करें?